बॉलीवुड के बाद अब कुछ रीजनल साउथ फिल्मों के बाद में अब खुद की रीजनल लैंग्वेज में काम करने वाली हैं डेजी शाह, और इस फिल्म का नाम है गुजरात 11, और इस वक्त E24 के साथ हैं डेजी शाह। वेलकम डेजी। थैंक यू सो मच फॉर द वेलकम। एंड मैं थोड़ा सा करेक्ट करूँगी, साउथ पहले किया था, फिर बॉलीवुड किया, अब गुजराती कर रही हूँ, तो वो सही ऑर्डर है। ओके फाइन। लेकिन लोग आपको जो ज़्यादा पसंद करते हैं वो बॉलीवुड है, हमें जो जहाँ तक पता है। मीन लेकिन रिकग्निशन मुझे बॉलीवुड से मिली है ज़्यादा, ऑब्वियसली, क्योंकि उसकी जो रीच है वो ज़्यादा होती है। एंड अगेन, मैंने सलमान सर के साथ डेब्यू किया, तो सब जानते हैं कि सलमान सर को लोग कितना पसंद करते हैं, और जो भी उनके साथ जुड़ता है वो ऑटोमेटिकली फेमस हो जाता है। बॉलीवुड में फिल्म की सलमान खान के साथ में डेब्यू था, और फिल्म का गाना गुजराती सॉन्ग जी फोटो, हाँ और अब फिल्म गुजरात 11। जी कितना मजा आया और कितना कोरिलेट कर पाए? आई थिंक जब फिल्म की कास्टिंग हो रही थी जय हो की, तब कास्टिंग होने के बाद मुझे सलमान सर ने बताया कि वी वर एक्चुअली लुकिंग फॉर अ गर्ल हु इज़ गुजराती, क्योंकि जो उसका बैकग्राउंड था लड़की का वो गुजराती फैमिली से दिखाई गई थी। तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न वाई वी हैड तरो फोटो ओपन चाल से, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो गुजराती टेस्ट का गाना। तो और फिल्म के अंदर जो मैं गांडो गांडो बोलती रहती हूँ, विच इज़ कॉल्ड मैड इन गुजराती, सो या इट हैड अ गुजराती फ्लेवर। एंड आई थिंक वो थोड़ा ऑथेंटिक पना लाने के लिए दे थॉट ऑफ मी, बिकॉज आई एम अ गुजराती बाई बर्थ। एंड कमिंग बैक टू गुजरात 11, येस, दिस इज माई फर्स्ट गुजराती फिल्म एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। इट्स रिलीजिंग ऑन 29th। आई मीन देखिए, फिल्में आप कहीं भी कर लो ना, एक मातृभाषा में तो बनती है, तो वो मेरा बकेट लिस्ट का एक टिक हो गया है अभी। ओके, सो आपको गुजराती फिल्म करनी थी, आपने पहले से सोच कर रखा था? जी मैंने कभी लिमिटेशंस नहीं बांधी थी। मुझे कोई भी फिल्म, कोई भी रीजन की फिल्म हो, अगर उसका कंटेंट स्ट्रॉन्ग है, स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जैसे कि हमने टीजर में देखा, ये फिल्म फुटबॉल पर बनी हुई है और आप कोच बने हुए हो, बहुत स्ट्रॉन्ग कोच की एक भूमिका दिख रही है निभाते हुए, आप दिख रहे हो बहुत। खड़ूस कोच मी हाँ बेसिकली, आप जी बोल सकते हैं, इट्स ओके। हाँ, बड़ी खड़ूस कोच दिखाई है वो, इसलिए क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं वो बेसिकली जुवेनाइल होम के है, और उनके प्रति एक थोड़ा सा क्या बोलते हैं, रूट पना रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनसे प्यार से पेश आएंगे बहुत ज़्यादा, तो ये बच्चे भी बड़े शातिर हैं, ये इन्हीं को उल्टा घुमा के ले जाएंगे। तो ऐसा ऐसा बेसिकली मेरा थॉट नहीं था, वो ऑब्वियसली हमारे जो डायरेक्टर है जयंत सर, उन्होंने कंसीव किया ये पूरा थॉट। तो आई वॉज जस्ट प्लेइंग माई पार्ट। क्या हम आपको लेडी शाहरुख खान कह सकते, क्योंकि शाहरुख खान चक दे इंडिया में जिस तरीके से एक जी मेल होके फीमेल की टीम को कोच कर रहे थे, हॉकी था यहाँ पे फुटबॉल है, और आप यहाँ पे फीमेल होके एक मेल की टीम को कोच जी कर रहे हो, तो लेडी शाहरुख खान हम कह सकते हैं आपको? आई मीन अगर आपको पसंद है तो आप बुला लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई गेस या इंस्पिरेशन वहीं से निकली है। जब ये फिल्म का नरेशन भी मुझे दिया गया था, तो मेरे दिमाग में चक दे ही चल रहा था, और शाहरुख सर को ही दिमाग में रख के आई गेस मैंने फिल्म में पोर्ट्रे किया है, क्योंकि उसके अंदर भी शाहरुख सर थोड़े खड़ूस दिखाए थे। तो आई थिंक माई एंटायर रोल हैज़ बीन क्रिएटेड और बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम शाहरुख चक दे रोल। फिल्म में जैसे कि हम देख रहे हैं कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, खड़ूस हैं, गुस्से में हैं, अपने अपोनेंट से लड़ने के लिए तैयार हैं, जी अगर इसकी थोड़ी सी कहानी आप और बता सकें दर्शकों को, क्योंकि ये गुजराती फिल्म है लेकिन आप बॉलीवुड से जुड़ी हुई हैं, तो दर्शक ये फिल्म क्यों देखे, ऐसी क्या बात रहेगी इसमें? क्योंकि जैसे हम पोस्टर में देख रहे हैं, आपने भी बताया जुवेनाइल बच्चे हैं, और आजकल जिस तरीके से इन बच्चों को ट्रीट किया जाता है, या फिर कोई चला जाता है जेल, उसको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है हमारी सोसाइटी में, सो उसके लिए क्या कहेंगी? तो इस ये जो लड़की है, ये कैरेक्टर का नाम है दिव्या, और इसकी ज़िद तो है जीतने की, वो तो है ही, पर उसकी दूसरी ज़िद ये है, जीतने की ज़िद से बड़ी ज़िद है उसकी ये बच्चों को सुधारना, और ये बच्चों को एक नया प्लेटफॉर्म देना, क्योंकि गलत रास्ते पर चलने वाले बहुत मिलते हैं और चले भी जाते हैं शायद, पर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उनको यू टर्न लेना सिखा देते हैं। सो दिस इज़ दैट गर्ल, के वो हार नहीं मानती, वो टूटती ज़रूर है। फिल्म में दो बारी एक दो सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पे वो पूरी तरह से टूट जाती है, पर वो हार नहीं मानती। शी इज़ लाइक, दिस इज़ माई टास्क एंड आई विल डू इट।
अगर रियल लाइफ इंसिडेंट की बात करें, कभी ऐसे बच्चों से पाला पड़ा है या ऐसे लोगों से जो जेल से होकर आए हैं लेकिन वो अपनी नई जिंदगी अलग तरीके से शुरू कर रहे हैं, या फिर उन्हें उनके साथ कुछ गलत हो रहा हो इन सोशल लाइफ? नहीं, एक्चुअली ऐसे कोई भी लोग नहीं है जिससे मैं मिली हूँ जो जेल जाकर वापस बाहर आए एंड दे आर ट्राइंग टू लिव अ बेटर लाइफ. बट हु एवर हैज़ बिन थ्रू दिस ट्रामा इन देयर लाइफ्स, आई रियली होप के दे हैव टर्नड देयर लाइफ्स अराउंड एंड ट्राइंग टू बी अ बेटर पर्सन. क्योंकि सही गलत शायद हमको बताने वाला कोई नहीं होगा, पर कहीं ना कहीं डाउन द रोड आपको कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिलेगा जो आपको बताएगा बेटा ये सही है, बेटा ये गलत है. जी, आई थिंक सो. मुझे जो लगता है रियल लाइफ में आप से जुड़ी हुई है ये कहानी. सलमान सर के साथ में कुछ इंसिडेंट हुए थे और उन्हें जेल जाना पड़ा था, और वो आपके बहुत क्लोज हैं. अभी आप लोगों ने द बैंक टूर भी किया हुआ है. सो कभी ऐसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में उन्होंने कभी एक्सपीरियंस अपना शेयर किया हो जेल का, या कोई बुरी ऐसी मेमोरी, या फिर कभी कुछ हुआ हो ऐसी बातचीत? दिस वन थिंग विच इज़ रियली सो गुड अबाउट हिम के मतलब कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो लाइफ में, वो बड़े हंस के निकाल लेते हैं. मतलब जैसे अगर वो हमारे साथ उनके जब मैं उनकी लाइफ में नहीं थी, जब वो टाइम पे वो जब जेल गए थे, तो उन्होंने वो टाइम की स्टोरीज हमें सुनाई और उनको बोला, हमको बताया कि अंदर कैसा होता है, कैसे रहना पड़ता है, चीज़ें कैसी होती है. आई मीन एवरी थिंग जो फिल्मों में दिखता है उससे बहुत ही ज़्यादा अलग होता है. तो वहाँ पर अंदर फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक्टर हो या स्टार हो या क्या हो, आपको जो दिया जाता है उसी के साथ रहना पड़ता है. बट वेन वी हियर इट, इट साउंड्स वेरी ट्रामेटाइजिंग, बट द वे ही सेज़ इट, ही मेक्स इट साउंड लाइक हमने ये भी कर लिया यार, हमने ये भी कर लिया. सो दैट इज़ वन थिंग दैट आई रियली लव अबाउट हिम. क्या आप फिल्म करते वक्त इस वजह से कनेक्ट कर पाए उन बच्चों के साथ में? इजी हुआ आपको शूट करना क्योंकि आपको ये चीज़ें पता थी? नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल भी, क्योंकि जुवेनाइल, ये जुवेनाइल होम्स के बच्चे हैं. तो बेसिकली जो जहाँ पे ये बच्चों को हम लाते हैं वो एक हॉस्टल है विच इज़ अ प्रॉपर वेल इक्विप्ड हॉस्टल, बिकॉज ये बच्चों को बाकी बच्चों से कम्प्लीटली अलग रखा गया है बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग. सो दे हैव गिवन ऑल द फैसिलिटीज़. इन फैक्ट ये लड़की ऐसी है कि उनको हफ्ते में एक बार मोबाइल फ़ोन भी देती है अपने घर वालों से बात करने के लिए. सो शी अंडरस्टैंड्स देयर नीड्स, बट येट शी इज़ खड़ूस के नहीं, मुझे जो मेरा रोल प्ले करना है करना है, पर तुम्हारी जो नीड्स है वो मैं ज़रूर पूरी करूँगी. ओके, खड़ूस है लेकिन सॉफ्ट भी है. जी ओके. डिजी, थोड़ा सा हम चाहेंगे तो फिल्म की बात होगी, द बैंक टूर के बारे में अगर बता दें, क्योंकि लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं. हमने वीडियोस देखे कई सारे आए और लोगों ने बहुत इंजॉय किया. क्या रहता है लोगों का रिस्पांस जब आप लोग इस तरीके से जाते हैं? लोगों से ज़्यादा ना हमें मज़ा आता है, बिकॉज क्या होता है ना, एक स्टेज ही ऐसा एक माध्यम है जहाँ पे तुम, आपको एक इंस्टेंट रिएक्शन पता चलता है, आप एक इंस्टेंट कनेक्ट कर पाते हो ऑडियंस के साथ. एंड और स्टेज पे परफॉर्म करना ठीक है, पर बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए ऑडियंस की एनर्जी बहुत ज़रूरी है. एंड लकीली हमने आज तक जितने भी शोज़ किए हैं हमें रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिला है दैट इफ़ वी हैव थॉट दैट वी आर गोना परफॉर्म एट द लेवल ऑफ से 70, बट बिकॉज ऑफ द ऑडियंस रिएक्शन आर परफॉर्मेंस हैव एक्चुअली गॉन टू 120. सो इट्स बिकम दैट वे. द सेम थिंग गोज विद दुबई विच वी जस्ट डिड लाइक टू डेज बैक. द मोस्ट अमेजिंग ऑडियंस एवर. एंड क्योंकि हमारा अनफॉर्चुनेटली अप्रैल में ये शो होने वाला था पर वो वेदर कंडीशंस की वजह से कैंसिल हो गया था. सो पीपल वर इवन मोर एक्साइटेड. एंड अगेन सलमान खान वॉज परफॉर्मिंग देयर आफ्टर आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स. एंड लेट्स फेस इट, दैट इज़ द फैक्ट दैट सलमान खान इज़ द क्रश ऑफ द वर्ल्ड आई वुड से, बिकॉज ही इज़ लव्ड बाई एवरी पर्सन ऑन दिस पर्टिकुलर प्लैनेट कॉल्ड अर्थ. तो डेजी, आपसे जानना चाहेंगे, आप पहले कोरियोग्राफर भी रह चुकी हैं, अब एक्ट्रेस हैं, सो आपको ज़्यादा डांस करने में कब मज़ा आता है, बतौर एक्ट्रेस या फिर बतौर कोरियोग्राफर? देखो डांस डांस होता है वो, जब मैं असिस्टेंट भी करती थी तब मुझे एक्टर को करके दिखाना पड़ता था. तो एक्टर को करके दिखाने के लिए उनको कैसे करना है वो करके दिखाना है, तो हमें भी एक्ट करना ही पड़ता था. सो माई रोल इज़ नॉट दैट डिफरेंट. इट्स ओनली कि अभी मेकअप और हेयर और कपड़ों, जो फैंसी कपड़े हैं उसके साथ डांस करती हूँ. पहले मैं वही जो रिहर्सल के कपड़े थे उसमें डांस करती थी, वही झल्ला सा फेस था और बाल ऐसे ऊपर अम्बोड़ा टाइप में बंधा हुआ था, बस यही डिफरेंस है. डिजी, जैसे कि हम देख रहे हैं पहले जो कह सकते हैं कि
डांसर जो डांसर्स हुआ करते थे या फिर आइटम सॉन्ग्स हुआ करते थे उसमें मोस्टली इंडियन फीमेल्स हुआ करती थी, एक्ट्रेसेस हुआ करती थी जो आइटम सॉन्ग्स वगैरह. लेकिन अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है, जो इंडियन नहीं है वो एक्ट्रेसेस आ रही हैं डांस कर रही हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं. और समवेयर ऐसा है जैसे कि हम अगर एग्जांपल के तौर पे लें तो मलाइका अरोरा एक तरफ है जो हर आइटम सॉन्ग्स में नज़र आती थी और लोग पसंद करते थे, और शायद अब उनकी जगह ये नोरा फतेही ने ले ली है. तो आपको ऐसा नहीं लगता कि लोगों का टेस्ट चेंज हो गया है? I don't think Mala is still a bigger artist, I would say. I mean, no offense here to Nora, she's a wonderful, wonderful dancer. But I mean, see, यहाँ पे positioning की बात नहीं हो रही है. Mala ने जो किया है वो legendary है, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है. And what Nora is doing, that will become legendary for whoever comes after her. क्योंकि मेरा ये सवाल इसलिए है क्योंकि हम मलाइका को देखते थे, चाहे वो दबंग 3 हो या कई सारे उनका छैया छैया सॉन्ग, आज भी लोग उसको रिपीट करते हैं और पसंद करते हैं. लेकिन अब शायद वो चेंज हो रहा है, नोरा और ऐसी कई सारी नई नई एक्ट्रेसेस आ रही हैं जिनको आइटम सॉन्ग्स के लिए अप्रोच किया जाता है और उन्हें ही पसंद किया, प्रेफरेंस दिया जाता है. और बतौर डांसर और एक्ट्रेस आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको वो जगह मिलनी चाहिए या फिर जो इंडियन ऑलरेडी डांसर्स हैं उन्हें जगह मिलनी चाहिए? नो, आई डोंट थिंक सो. आई मीन वो एक डायरेक्टर पे डिपेंड करता है, वो एक कोरियोग्राफर पे डिपेंड करता है, प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है. उनकी चॉइस होती है, उनके प्रेफरेंसेस होते हैं, वो उसके ऊपर होता है. आई मीन इसके अंदर ना ही मलाइका का कोई फॉल्ट है, इसके अंदर ना ही नोरा का कोई फॉल्ट है. सो डेजी, बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन चाहेंगे गुजरात 11 के लिए आप क्या कहेंगे हमारे व्यूअर्स से और जो आपके फैंस हैं उनसे? तो जितने भी गुजराती लोग हैं उन्हें पता है कि मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है गुजरात 11, सो इट विल बी इजियर फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड. बट जिन्हें गुजराती नहीं आती उनको भी पता चल जाएगी फिल्म क्या है, बिकॉज गुजराती इज़ अ वेरी इजी लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड. सो प्लीज़ गो एंड वॉच दिस फिल्म. इट इज़ रिलीजिंग ऑन 29th ऑफ नवम्बर. इट इज़ अ वेरी वेरी स्वीट फिल्म. इट्स अ वेरी लाइट हार्टेड फिल्म विद द मोस्ट अमेजिंग मैसेज दैट यू विल एवर टेक विद यू एट होम. ओके, लास्ट लाइन एक गुजराती में बुलाने का फैंस को. प्लीज़ बधा जाइने जो वो 29 तारीख के मारी फिल्म रिलीज थी रही है गुजरात 11. प्लीज़ आई नीड योर लव एंड सपोर्ट, इट्स माई फर्स्ट फिल्म. थैंक यू डेजी, हमसे बात. थैंक यू. तो ये थी डेजी जो जल्द ही गुजरात 11 में दिखेंगी, और हम उम्मीद करते हैं आपको ये फिल्म बहुत पसंद आई.